यूं मिलेंगे, हमने सोचा न था। और ये जिंदगी तुमसे यूं मिलेंगे, हमने सोचा न था। और ये जिंदगी महकेगी तुम्हारी बाहों में, महकेगी तुम्हारी बाहों में। तुमसे यूं मिलेंगे, हमने सोचा न था। और ये हमारे कुछ नहीं, हम थे कहीं, थे तुम्हारे कुछ भी नहीं। इतना छोटा जहां अब अचानक हुआ, खोए तुम हमारी राहों में, जाना था। और ये जिंदगी हाय माँ, कोई आया है? सिर्फ गाड़ी भेजी है मुंबई से। किसने? तुम्हारे पापा ने। ये खत भेजा है तुम्हारे लिए, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। माँ, मैंने सोच लिया है, मैं उनसे मिले नहीं जाऊंगी। घर से तो वो 16 साल पहले निकल गए थे, लेकिन मेरे दिल से निकालते निकालते मेरा पूरा बचपन निकल गया। और आज
जब मैं उन्हें पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। वो सिर्फ एक खत लिख के मुझे अपनी जिंदगी में वापस बुलाना चाहते हैं। He's a selfish man. वो आज भी नहीं बदले हैं माँ। तुझे जरूर जाना चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी, पर अगर तुम्हारे न जाने की वजह मैं हूं तो कुछ पल के लिए भूल जा मुझे। इतने सालों में उनके और मेरे बीच में जो भी रिश्ता रहा हो, पर आज तुझे सिर्फ उनकी बेटी बनकर सोचना चाहिए। क्यों? क्या इतने सालों में उन्होंने एक बार भी मेरे पापा बन के सोचा है? क्या उन्होंने मुझे फोन किया ये पूछने के लिए मैं कैसी हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं उन्हें मिस करती भी हूं या नहीं? हाँ मामा, जब उनको मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाना चाहिए था तब तो वो मेरा हाथ छोड़कर चले गए, और आज उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो वो चाहते हैं मैं उनका हाथ थाम लूं। क्या सोचते हैं वो? हाँ, एक कागज का टुकड़ा और बड़ी सी गाड़ी भेजेंगे और मैं उनके पास दौड़ी चली जाऊंगी? नो मां, आई एम नॉट मीटिंग दिस मैन। जी तो आज भी चाहता है कि मैं तुझे कहूं कि तुम अपने पापा को मिलने मत जाओ, तुम्हारी हर शिकायत को सही कहूं। पर मैं एक बेटी को अपने मरते हुए बाप से मिलने को ना नहीं कह सकती। हाँ बेटा, कुछ ही देर पहले कुणाल अंकल का फोन आया था, उनके पास वक्त बहुत कम है, वो कभी भी। Sheena, but I'm so glad that you came. Hmm. Come in. How was your drive? Fine. Come. Sheena, better come on in. Come. Shekhar. Shekhar. Sheena. Sheena aaye hain.
I almost thought you wouldn't come. I almost didn't. नंदिता कैसी है? ठीक है। शीना तुम क्या समझती हो कि इतने सारे सालों में मैंने तुम्हें कभी मिस नहीं किया? तुम्हें आज देख रहा हूं तो क्या हुआ? तुमसे बातें मैंने रोज की, तुमसे भले ही दूर रहा हूं लेकिन तुम्हारी एक एक शिकायत, एक एक सवाल हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहा है। कई बार सोचा कि तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, लेकिन तुम्हारे सवाल जितने सीधे थे मेरे जवाब उतने ही उलझे हुए। कई बार ये सोच के रुक गया कि कहीं मैं अपनी बात को अच्छी तरह समझा ना पाऊं। सैकड़ों बार पूना की तरफ गाड़ी मोड़ी लेकिन बीच रास्ते में यू टर्न मार के वापस चला आया। बस तुमसे जो कुछ भी कहना था इस डायरी में लिखता गया, यही सोच के कि एक दिन तुम आओगी और तुम इसे पढ़ोगी और सब कुछ जान जाओगी। पर तुम्हारे कमजोर बाप की जिंदगी में 16 साल तक ये दिन नहीं आया। आज भी मैं तुम्हें नहीं बुला पाता अगर मेरी जिंदगी की डायरी पूरी होने का वक्त नहीं आ गया होता। मैं इसे घर जाकर पढ़ लूंगी। ये तुम्हारा घर नहीं है। मुझे जाना चाहिए मामा के लिए। 16 साल तक मैं भी तो अकेला ही रहा हूं। बेटा व्हेन आई कम बैक एट नाइट आई विल ब्रिंग सम डिनर नाउ ओके। एक 5 साल की बच्ची ने अपनी आंखों में एक बाप की तस्वीर देखी थी। अब मैं एक 21 साल की लड़की को एक आम आदमी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हाँ, मैं एक आम और मामूली आदमी था पर मेरे साथ जो हुआ बहुत खास था। बेटे उठो उठो। हागी मामा। किच्ची बेटा। पापा उठ गए। नहीं तो फिर मैं जाऊं।
स्कूल में क्या करने वाले? अरे शेखर, पापा आज तो इंग्लिश टेस्ट है। शेखर फिर से भूल गए। कम ऑन कम बैक। बेटो तुम गाड़ी में बैठो, मनी बैग लो। जी सर। इस बार भूल जाते तो इलेक्ट्रिसिटी और फोन दोनों कट जाते। सॉरी बाबा सॉरी। अच्छा लिसन शेखर, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल न्यू डाइनिंग टेबल एंड वैसे वी नीड अ न्यू वन ना। कितने की? 40,000। 40,000? टेबल तो आ जाएगा, खाना बंद हो जाएगा। शेखर डोंट बी अ कंजूस ओके? और वैसे भी घर का इंचार्ज कौन है? तुम। देन व्हाई आर्ग्यू? गो एंड लिसन, आई लव यू। आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर खन्ना की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो 11 बजे आने वाले हैं। आज के लिए कितने अपॉइंटमेंट्स? 23। पहला अपॉइंटमेंट मिस्टर सूरी का है। ओके गिव मी 2 मिनट्स देन सेंड द फर्स्ट पेशेंट इन। ओके। 2 मिनट नहीं स्वीटहार्ट, 5 मिनट। अरे यार कम से कम 2-3 मिनट तो हम जैसे दोस्तों के लिए भी रख लिया कर यार। I've been waiting for you. Sorry, sorry, बाबा, sorry. मैं भूल गया था कि मेरा पहला अपॉइंटमेंट एक दिमाग के डॉक्टर के साथ होता है। अरे यार थोड़ी इज्जत से नाम लिया कर। तू शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से बात कर रहा है और वैसे भी मेरे पेशेंट्स का दिमाग ठीक होता है, वो बेचारे थोड़े से बीमार होते। अब यार निकाल ना। तू भी यार, जब भी सिगरेट पीनी होती तू मेरे यहाँ ही चला आता है। कितनी बार समझा कि अपने सिगरेट्स मेरे ड्रॉअर में मत रखा कर, लेकिन तू भी ना समझेगा नहीं। क्या करूँ यार, यहाँ का माहौल मुझे बहुत सूट करता है। मिस्टर साइकियाट्रिस्ट, साफ क्यों नहीं कह देता कि तुझे बीवीओफोबिया है? डरता है तू अपनी बीवी से कि कहीं वो तेरे कैबिन में ना जाए। शेखर तू ये सब जानता तो इतने जोर से क्यों बोल रहा है? दीवार के कान नजर नहीं आते। शील किल मी इफ शी फाइंड्स आउट मैन। कुणाल आई कांट अंडरस्टैंड कि तू ये सब अपनी बीवी से कैसे छुपा सकता है। शेखर आदमी में लगन होना और वो सचमुच कुछ पाना चाहे तो फिर वो अपनी बीवी से तो क्या सारी दुनिया से छुपा सकता है। डॉक्टर शेखर। डॉक्टर देयर इज एन इमरजेंसी इन ओपीडी। ओके आई विल जस्ट बी देयर। चलो भाई मेरा दिन तो शुरू हो गया। और डॉक्टर कुणाल मेहरबानी करके अपना काम खत्म होने के बाद खिड़कियां जरा खोल देना। हाँ यार। अरे सुन लाइटर कौन से ड्रॉ में? इतनी भीड़? काव्या जी के फैंस है सर। काव्या जी? काव्या कृष्णा मिस वर्ल्ड, उन्हीं के हाथ में चोट लगी है। ओ। चलो हटिए हटिए। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये सब? हाँ ये हॉस्पिटल है, सर्कस नहीं। चले जाइए अपना अपना काम कीजिए। कम ऑन प्लीज। सर मैं दिवाकर, काव्या जी का सेक्रेटरी। सर आप कुछ भी करके मैडम को ओके कर दीजिए। सर प्रोड्यूसर का सेट खड़ा और वहाँ। बाद में बात करते हैं। आई वांट OT3 ऑन स्टैंड बाय। यस सर। ओह माय गॉड ये कैसे हुआ? अपनी जान लेने की कोशिश की मैंने। इलाज करोगे या पुलिस को बुलाओगे? टेक योर टाइम, मुझे ना जीने की जल्दी है ना मरने की। अरे डॉक्टर साहब आ गए। प्लीज बताइए डॉक्टर साहब अब कैसी है काव्या कृष्णा? काव्या कृष्णा सुबह हमारे हॉस्पिटल में आई। शी हैज सस्टेन एन इंजरी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। शी इज इन नो डेंजर। सर हमने सुना है उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है, क्या ये सच है? नो इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट्स ऑल।
Hey you. Hey. इस तरह अपने ही घर में चोरों की तरह आने का मतलब? मैं तुम्हें जगाना नहीं चाह रहा था। हाँ भाई, मिस वर्ल्ड से जो मिलके आ रहे हो, इसमें बीवी सोती हुई अच्छी लगती है। क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है मिस्टर शेखर। आई सॉ यू ऑन टीवी, बड़े हैंडसम लग रहे थे तुम। ये मीडिया वाले भी ना, घर तक पहुंचने से पहले सारी खबर घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो मुझे पूछना है वो मैं तुमसे ही पूछूंगी। टेल मी समथिंग डॉक्टर, इज शी रियली प्रिटी? अंदिता प्लीज, मैं उसका इलाज कर रहा था। ओह कम ऑन डॉक्टर शेखर, यू आर अ मैन आफ्टर ऑल। अब ये मत बोलना कि मिस वर्ल्ड तुम्हारे कैबिन में तुम्हारे सामने बैठी थी और तुम सिर्फ उसकी चोट देख रहे थे। आई डोंट बिलीव यू। हां नंदिता प्लीज। ओके ओके ओके, देखो कुणाल का फोन आया था, पूछ रहा था कि सैटरडे का क्या करना है, आर वी गोइंग नॉट गोइंग, क्योंकि मुझे शिल्पा को फोन करके कंफर्म करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाओ, लगता है बहुत से लोग चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। बहुत से लोगों का काम रुका हुआ है। But you've lost a lot of blood. आपका हीमोग्लोबिन काउंट बहुत लो है। May I? We don't generally hospitalize for things like this, but Hi baby. For you. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? काव्या, क्या देखने आए हो तुम कि मैं जिंदा हूं या मर चुकी हूं? देख लिया? No, get out. काव्या मेरी बात। Just get out. काव्या, get out. तुम तो मेरी लाश पे फूल चढ़ाने आए थे ना? दो कोरा होगा मुझे जिंदा देखे। अकेले क्यों आए हो? अपनी नई गर्लफ्रेंड को साथ नहीं ले आए, जिसके साथ मेरे पीठ पीछे अय्याशी कर रहे थे? अय्याशी कर रहे थे तुम? तुम प्लीज अय्याशी कर रहे थे। काव्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू कंप्लीटली लॉस्ट इट। तुम प्लीज, तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। मैं पागल हो गई हूं, पागल हो गई हूं मैं। काव्या प्लीज बिहेव योरसेल्फ। काव्या प्लीज, जस्ट बिहेव। देखिए आप जो भी हैं यहां से इस वक्त चले जाइए। प्लीज जस्ट गो, प्लीज प्लीज गो। Stop it, Kavya! Stop it, Kavya! Please stop it, Kavya! Please, Kavya! Please, please, Kavya! Please, stop it, Kavya! Please, Kavya! Please, Kavya! Please, stop it! What's the matter with you, Kavya? मैं उसके पीछे नहीं, वो आया था मेरे पास। चार चार घंटे मेरे वैन के सामने इंतजार किया उसने मेरा, और जब जब मैं उसपे भरोसा करने लगी, उसे अपना समझने लगी, तो उसने मुझे ही धोखा दे दिया। वो मेरी कमजोरी को अच्छी तरह से जानता है, मुझे उसकी आदत हो गई है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी को उसकी ताकत नहीं बनने दूंगी। उसे क्या लगता है वो मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकता है? मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है, और अगर किसी ने भी उसका तमाशा बनाने की कोशिश की, मैं उसके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी, बल्कि ये जिंदगी कोई खत्म कर दूंगी। मुझे किसी करो, किसी करो। I love you. I love you too. आप यहाँ क्या कर रही हैं? साहब, बेबी कह रही थी मैं पापा के साथ ही घर जाऊंगी। अच्छा, असली बात बताइए, आप यहाँ पापा से मिलने आई हैं आइसक्रीम खाने? मैं तो हमेशा आपसे मिलने आती हूँ, अभी तो आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। ओहो, अच्छा तो सारा कसूर मेरा है। शंकर बैग ले लो। शीना, मैं सोच रहा था कि आज पापा की गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। Why, पापा? Because you have a bad cold. पहले आप ठीक हो जाइए, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है ना पापा? तब तो आप आइसक्रीम अभी मुझे खिलाइए। वो क्यों? क्योंकि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, उसके बाद मैं खा लूंगी, उसके बाद मेरा गला फिर से खराब हो जाएगा।
और अभी तो मेरा गला पहले से ही खराब है. That's very intelligent. And now for the latest on the Kavya Krishna case, we take you straight to Bombay. इस वक्त हमारे साथ मिस्टर रोहित वर्मा है. मिस्टर वर्मा, क्या ये सच है कि आपके और काव्य कृष्णा के बीच में आज हॉस्पिटल में झड़प हुई थी? पागल है काव्या कृष्णा. She is completely lost it and mad. और एक पागल से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? तो क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि काव्या जी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? तुम्हें क्या लगता, अगर उसे सच में जान देनी होती तो क्या वो हॉस्पिटल के इतने करीब आके ये सब करती? इट्स अ प्लॉट टू मलाइन मी. मुझे बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नहीं. नाटक है सब नाटक, ब्लडी ड्रामेबाज. और वैसे भी उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है. टिश्यू पेपर चाहिए उसे, जो मैं नहीं हूं. ओह माय गॉड. जिस काव्य कृष्णा को दुनिया जानती है वो काव्य कृष्णा नहीं है. असल में वो बहुत अलग है. शी इज वेरी डिफरेंट. ना उसका कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार. शी इज अ मैड एंड लोनली वुमन. जिसके अपने माँ बाप ने उससे हाथ छुड़ा लिया हो कौन उसका हाथ पकड़ेगा? विल बी अ फ्रेंड. हां यस मिस काव्य कृष्णा, उस दिन तुम्हारे पीठ के पीछे मैं मोनिशा के साथ था. बिकॉज शी इज अ गर्ल हु अंडरस्टैंड्स व्हाट लव इज. वो मुझे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ. आई लव हर बट रियली रियली हेट यू, क्योंकि तुम इसी के लायक हो. यू डिजर्व दिस, समझी? और एक बात, चल रही है
जमीन है सब पास है मगर कुछ तो कमी Saxena, dinner now or later? Hmm? Dinner? Now or later, Shekhar? Later. Okay. क्या पढ़ रहे हो? Conference है गोवा में, उसी का invitation है. कब? Next week. तो next week ही बता देना चाहिए था ना? अब तुम्हारे जाने के गम में मुझे हफ्ता भर नींद नहीं आएगी. पर आराम से सोने को तो मिलेगा. क्योंकि तुम्हें सताने वाला कोई नहीं होगा. अच्छा सुनो शेखर, वो प्रशांत का फोन आया था. कौन प्रशांत? शेखर. प्रशांत, प्रशांत गुप्ता, आर्किटेक्ट प्रशांत गुप्ता, जिसके यहाँ मैं शादी से पहले काम करती थी. ओ हाँ प्रशांत, क्या हुआ? वो चाहता है कि मैं अपनी पुरानी वाली जॉब ले लूँ. तो कर लो, अब शीना भी बड़ी हो गई है, इंटीरियर डिजाइनर हो, काम कर लो, घर से बाहर निकलो, दिल विल बहल जाएगा. बस 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 बस, अपना दिल बहलाने के लिए मुझे घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है. और वैसे तुम हो ना मेरे हिस्से का काम करने के लिए, और तुम्हारे होते ही मुझे दूसरों के घर डिजाइन करने की क्या जरूरत है? हाँ, I'm on a vacation for life, sweetheart. One sec. शीना, come here. ओए, show me what you're drawing. Hello. Hello. Come. You are very naughty. हेलो. दिस इज फ्लावर पिंक फॉर मामा. हेलो. क्या हुआ, आवाज नहीं पहचानी?
या बात नहीं करना चाहते? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो जरा मैं इट्स ओके टेल मी। एक्चुअली सोच रही थी उस दिन जाते समय ठीक से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। शुक्रिया किस बात का? दैट वाज माय जॉब। मैंने आपकी जान बचा के आप पे कोई एहसान नहीं किया। जान की परवाह किसे है? मैं तो इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी क्योंकि आपने मेरे कारण प्रेस वालों से झूठ बोला, मेरा ख्याल रखा। एक बात कहूं आपसे, उस दिन आपके कंधे पर होकर बहुत अच्छा लगा। बहुत हल्का महसूस हो रहा है मुझे उस दिन से। इट्स ओके, यू वेलकम। हक तो नहीं बनता लेकिन एक और बात पूछ सकती हूं मैं आपसे? पूछिए। जिंदगी में दोबारा रोने की जरूरत पड़े तो आपका कंधा उधार मिलेगा? मैं आपको रोते हुए नहीं हंसते हुए देखना चाहता हूं। शेखर? हाँ? कौन था फोन पे? वो कुणाल, पता नहीं क्या कह रहा था ऐसे ही वो। चलो मैं खाना लगाती हूँ। फंस चुकी हो काव्या अपनी ही बनाई दुनिया में। ना ये दरवाजा खुलेगा ना रोशनी की कोई किरण अंदर आएगी। तुम्हें जिंदगी भर इसी अंधेरे में रहना होगा। कौन हो तुम? मैं काव्या हूँ, तुम्हारी वो आवाज जिसे तुम सुनना नहीं चाहती। Just stop it. तुम काव्या नहीं, मैं काव्या हूँ। आज तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, कल दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी। Just stop it. Just stop it. अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, ये बंद ही रहेगा, कोई तुम तक पहुँच नहीं पाएगा। अब सारी जिंदगी तुम्हें अकेले रहना होगा। You are going to be lonely, तन्हा, alone, forever, काव्या। काव्या कितने बजे है रात की? पता नहीं, दो या तीन शायद। यहाँ कुआलालंपुर में रात के 4:30 बजे है। बात क्या है बोलो? कोई खास बात नहीं, I was just feeling very lonely, बात करनी थी आपसे। काव्या दिस इज एन इंटरनेशनल कॉल, पैसे लगते हैं। मैं मुंबई आ जाऊंगी फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके माँ प्लीज सिर्फ 2 मिनट बात कर लो। काव्या बच्चों की तरह जिद मत करो,
अगर नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली खा लो, ओके? गुड नाइट। डमाज लोगो 1/14 एक्शन। बेला मेक्स यू फील ब्यूटिफुल द लैंग्वेज ऑफ इटालियन डिजाइन। कट 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 कट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू काव्या? सुबह से एक लाइन ठीक से नहीं बोल पा रही हो तुम। विशाल। यस सर। मैडम को डी डमाज की लाइन देना। ओके सर। डमास लोगो 1/15 एक्शन। बेला मेक्स यू फील ब्यूटिफुल द लैंग्वेज ऑफ इटालियन डिजाइन। कट इट। सॉरी काव्या, आई थिंक यू शुड टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। आइए। बैठिए मैम। सिगरेट देना। जी ये लीजिए। काव्या कृष्णा मिस वर्ल्ड। अरे काहे की मिस वर्ल्ड? 4 लाइनों का डायलॉग ठीक से नहीं बोला जाता, सिर्फ एक ही डायलॉग आता है, आई एम सॉरी और आई एम सॉरी। What are you complaining about यार? तेरी लाइफ ठीक है, जो पेशेंट ज्यादा बोला उसको एनेस्थेसिया दिया और स्ट्रेचर पे लेटा दिया। मुझ जैसे साइकियाट्रिस्ट को तो दिन भर अपने पेशेंट्स की बातचीत सुननी पड़ती है और उसके बाद उसका एनालिसिस देना पड़ता है उन लोगों को। चल अब तू सिगरेट पिला। नमस्ते सर। यस सर, मेरा नाम राजा है, मैं काव्या मैडम के वहाँ काम करता हूँ। उन्होंने अर्जेंटली आपको बुलाया है, वो आपका मोबाइल ऑफ था इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। सर साथ में चलिए ना, नहीं तो काव्या मैम सब हम पे बहुत भड़केगी। ठीक है, आई जस्ट बी बैक। चलो सर, आज शेड्यूल खत्म करना है सर, बहुत प्रॉब्लम हो। मैं समझता हूँ आपकी बात सर। सेट तीन घंटे से मेकअप रूम में बैठी हुई है, ना खुद बाहर आ रही है और ना किसी को अंदर आने दे रही है। बार बार आपको बुलाने की जिद कर रही है, इसलिए हमने आपको बुला भेजा। डॉक्टर साहब प्लीज आप उसको समझा बुझा के शूटिंग शुरू करवाइए, वरना नाम खराब हो जाएगा हम लोगों का। क्या करूं, हर किसी को ये डरा हुआ चेहरा तो नहीं दिखा सकती ना, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। कितनी लड़कियां थी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में? ओनली 60। सो एम आई द बेस्ट इन द वर्ल्ड और एम आई द बेस्ट इन 60? इस दरवाजे के बाहर जो दुनिया है, वहां लोग मुझे नहीं, मिस वर्ल्ड काव्या कृष्णा को देखना चाहते हैं। पर जब दरवाजा बंद करके मैं अपने आप को आईने में देखती हूं तो मुझे सिर्फ मैं नजर आती हूं, अकेली, उदास, बदसूरत मैं, जिसे हर वक्त ये डर सता है कि कहीं दरवाजा खुल ना जाए और लोग मेरी असली तस्वीर न देख लें।
काव्या, मैं इस ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हें जितना जानता हूं उसे यही कहूंगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद हो। जिस दुनिया ने तुम्हें यह समझकर मिस वर्ल्ड बनाया कि तुम सबसे बेहतर हो, तुमने उसी दुनिया को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया। तुम्हें यहां तक पहुंचा के किसी ने तुम पे एहसान नहीं किया। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे अंदर ही था, और जो तुम्हारे अंदर है उसे तुमसे कौन अलग कर सकता है? काव्या, प्लीज डोंट एवर थिंक दैट यू डोंट डिजर्व टू बी वेयर यू आर। और रही बात आने वाले कल की, तो मरने के डर से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता। आज तुम मिस वर्ल्ड हो, कल कोई और होगा, लेकिन तब तुम यहां नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें यहां से बहुत आगे जाना है। मुझसे पूछो तो तुम जैसी लड़की को जो मिलना चाहिए वो तो अभी तक तुम्हें मिला ही नहीं है, और जो नहीं मिला उसे हासिल करने के लिए यहां छिपके बैठने से क्या होगा? यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू फेस द वर्ल्ड, राइट? तुम्हारी इन बातों पे यकीन करने को दिल करता है। काव्या, आई मेंट व्हाट आई सेड, एवरीथिंग, यू आर स्पेशल। जब तुम मेरे साथ होते हो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट शेखर। चलो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम मेरे साथ स्टूडियो चलो प्लीज। तू जो कह रहा है उससे लगता है कि शी सीम्स टू बी अ मैनिक डिप्रेसिव एंड अ सुसाइडल पर्सन। ऐसे लोग कुछ छिन जाने के डर से जो उनके पास होता है उसे भी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते, और ये टेंडेंसी इनमें अचानक डेवलप नहीं होती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका ताल्लुक इनके बचपन से होता है। दीस काइंड ऑफ पीपल सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। ऐसे डरे हुए लोग दो हिसाब से रिएक्ट करते हैं, या तो वो कुछ जिंदगी में पाना ही नहीं चाहते, और या फिर वो सब कुछ एक साथ हासिल कर लेना चाहते हैं। कुछ खो जाने के डर से कुछ पा लेने की जिद इनमें बढ़ जाती है, और फिर ये लोग अपना गोल हासिल करके ही रहते हैं। यू नो शेखर, These kind of people are very magnetic, charismatic. अपने दर्द से बड़ी आसानी से तुम्हें अपने तरफ खींच लेते। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें एक ही चीज की तलाश है, खुशी। वो तुम्हारे साथ भी उसी खुशी के लिए रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो तुमसे खुशी हासिल कर लेंगे। पर ऐसे लोगों को खुश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बीमारी ही उनकी उदासी है। एक बात पूछूं शेखर, तू कहीं उस लड़की के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे? बेला मेक्स यू फील ब्यूटीफुल, द लैंग्वेज ऑफ इटालियन डिजाइन, गोल्ड एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेड बाय डी डमास। कट इट, ओके, फैंटास्टिक। ए शेखर, तू कहीं उस लड़की के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे? अरे नहीं नहीं यार कुणाल, क्या बात कर रहा है, मैं तो बस उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और बल्कि मैं ये भी चाह रहा था कि क्यों ना मैं उसे एक बार तेरे क्लिनिक पे ले आऊं। कोशिश कर ले, पर वो आएगी नहीं। तुझे पता है इन लोगों के साथ सबसे अबनॉर्मल बात क्या होती है? इन लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। उस लड़की से दूर रहना, Stay away from her, Shekhar. Well, there shouldn't be any bifurcations on this path. As per the system, the technology is really... It was a wonderful conference, Doctor. I really enjoyed myself. I thought those guys were amazing, you know. Anyways, thanks, doctors. Thanks a lot. Bye. Okay, bye. I think after 15 days or so. Okay, I'll surely like to... We'll do one thing, we'll confirm it right now, right? Yeah. Raja, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैडम के साथ में आया। काव्या, या गोवा में? वो आपसे मिलने आए।
आपके बाजू वाला कॉटेज लिया है। चलिए। सर आइए सर। आइए। हाय काव्या। मैडम मैं बाहर हूं। तो तुम यहां छुपे हो गोवा में? मैं छिपा नहीं हूं, काम कर रहा हूं। और जब से तुम यहां आए हो कोई काम नहीं किया है मैंने सिवाय तुम्हें ढूंढने का। तुम्हारे हॉस्पिटल वाले तुम्हारा पता नहीं बताते, तुम अपना फोन नहीं उठाते, तुम्हारा घर कहां है मैं नहीं जानती। आना ही था तो आने से पहले एक फोन तो कर सकते थे, इतना तो बता सकते थे कि अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो मैं क्या करूं, कहां जाऊंगी। पर नहीं, तुम्हें अपने मर्द होने का एहसास तो दिलाना ही था। तुम ये देखना चाहते थे कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी या नहीं। तो लो देख लो, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। जब से तुम यहां आए हो मैं तुम्हारे बिना रो रो कर पागल हो गई हूं। पर मैं उन औरतों में से नहीं हूं शेखर जो चुपचाप घर में बैठकर तुम्हारी याद में आंसू बहाएगी। मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी कोने में से ढूंढ निकालूंगी। काव्या, I think we'll speak later. Don't leave me, Shekhar. I'm sorry. तुम्हारे बिना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। I feel so scared. बहुत डर लगता है मुझे। किस बात का डर काव्या, किस बात का? अपने अकेले होने का डर।
फिर क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल, आ रात रोक ले फिर हो न जाए सहर, फिर क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल, अचानक आ गए, फोन क्या होता तो मैं एयरपोर्ट आ जाती ना। सुबह से फोन कर रही थी मैं, तुम्हारा मोबाइल ही ऑफ था। कॉन्फ्रेंस कैसा था? ठीक थी। लगता है इस बार तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। मैं ही तुम्हें फोन करती रही, तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की। बहुत बिजी थे क्या? लाओ मैं कर देती हूं। बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं गीजर ऑन कर देती हूं, तुम जाके अच्छे से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूं, सारी थकान मिट जाएगी। उसके बाद अगर मूड रहा तो हम खाना खाने बाहर जाएंगे, मूड नहीं रहा तो मैं। Why the hell are you so nice to me? तो हमेशा सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों करती हो? मेरा मूड, मेरा खाना, मेरी जिंदगी। Why am I the center of your life and attention all the damn time? मुझे लगो कि तुम सोच नहीं सकती क्या किया मैंने? मैंने ऐसा क्या किया कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखो, कि मैं तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं? क्या किया है मैंने? What? What is so special about me? What is so special about me? Why? Why so devoted to me? Why? Because you're my husband, Shekhar. And I love you. Shekhar, my heart is beating very fast, Shekhar. सब ठीक तो है? हाँ, ठीक ही तो है। I can feel there's something wrong, Shekhar. Nothing's wrong. झूठ मत बोलो मुझसे। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। तुम्हें मेरी कसम, Shekhar. नंदिता, इट्स वेरी लेट, सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
यू नो शेखर, पिछले काफी दिनों से मैं कुछ सोच रही थी। शीना भी बड़ी हो गई है। आई थिंक वी शुड कंप्लीट आवर फैमिली। हैव अ लिटिल मी, नाउ आई वांट अ लिटिल यू। और सोच रही थी कि शीना को भी कंपनी मिल जाएगी, है ना? इसके बारे में कल बात करेंगे। और ये मेरा पहला फोटोशूट है। इसे सुबि सैमुअल ने निकाला था। नाइस। इसमें ना मेरा लुक एकदम अलग है। और यहाँ पे मेरे बाल एकदम छोटे थे। नाइस। ये शूट पे मैं बाप रे इतना बोर हो गई थी कि एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो शेखर, कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंचे नहीं? कहाँ? शीना के एनुअल डे पे शेखर, अभी मत कहना कि तुम भूल गए हो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, वो मैं अभी मीटिंग से निकल ही रहा था। मैं शेखर, प्लीज जल्दी आ जाओ, फंक्शंस ऑलमोस्ट स्टार्टेड। ओके। काव्या, आई हैव टू गो। वो शीना का आज एनुअल डे है और शी इज पार्टिसिपेटिंग, सो वो मैं बिल्कुल भूल ही गया। आई एम सॉरी। नंदिता, वो फंक्शन खत्म हो गया है शेखर। I'm sorry बेटा, रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि how was your function? Kavya, I can't do this anymore. मुझे लगता है कि मैं सबको धोखा दे रहा हूं, अपनी बच्ची को, नंदिता को, खुद को, तुम्हें। तुम्हारे साथ होता हूं तो घर के बारे में सोचता हूं, घर पे होता हूं तो तुम्हारी बातें याद आती। काव्या, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वहां किसी को खुशी नहीं मिल सकती। मैं वो आदमी हूं ही नहीं जिसकी तुम्हें तलाश थी। काव्या, यू डिजर्व समबडी बेटर। तुम्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, हर वक्त तुम्हारे साथ रह सके। और मुझे नहीं लगता कि मैं वो आदमी बन पाऊंगा। काव्या, really sorry, please forgive me। भूल जाओ मुझे काव्या, please भूल जाओ। Yes, this is Dr. Shekhar।
ये आपके रिपोर्ट्स आ गए एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल सो नथिंग टू वरी अबाउट. मुबारक हो. यस 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 प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. कभी आप कम या देखने आई हूँ तो मेरे बिना कैसे हो. कभी आप तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा और सोच सोच के एक बात समझ गई मैं, सही हो या गलत मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती. Kavya, let's not do this, please. तुम मुझे ये सारी बातें भूलने को कह रहे हो ना? मैं तुम्हें सिर्फ कल रात वाली बात भूलने को कह रही हूँ. ना तुमने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना. भूल जाऊँ सब कुछ. Kavya, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है. तुम्हें मेरी जरूरत होना हो शेखर, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है. I need you in my life, शेखर. I need you in my life. एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो. Just say that you love me. Please. Kavya, please. Please, Shekhar. Please don't go, Shekhar. Please एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो. Please, Shekhar. Kavya, तुम समझती नहीं हो. Please, Shekhar. Please, please love me, Shekhar. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. मुझे मत छोड़ो शेखर. मैं क्यों अपने आप को जलील कर रही हो? Why are you doing this to yourself? Because I love you, शेखर. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती. तुम मेरे हो शेखर, सिर्फ मेरे हो. काव्या, stop it, stop it, goddammit. घिन आती है, घिन आती है मुझे अपने आप पर. जो खुशी तुम चाहती हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता. Why don't you understand that? Because that's not true, शेखर. तुम मुझे खुशी दे सकते हो. You make me happy, शेखर. That's not true, Kavya. हो गया? शेखर, ये सरिता कौन है? कौन है? पता नहीं, कह रही थी कि तुमसे बात करनी थी. मिडी न्यूज़पेपर में काम करती है. आई डोंट नो. शेखर, आ गया तू? इतने दिनों तूने सिगरेट पीनी छोड़ दिया, तेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया. मिड डे पढ़ा तूने? क्यों, क्या बात है? पढ़ ले. Thank you.
कह रही थी बता देना। मुझे एक मच्छर और मक्खी का पुराना जोक याद आ गया। एक बार ना मच्छर और मक्खी की शादी हो जाती है, तो बताओ सब लोग उससे पूछते हैं कि बता तेरी शादी तो हो गई, तेरी सुहागरात कैसी रही? तो कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मक्खी रोज गुड नाइट लगा के सोती है। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पहले खा चुकी हूँ, खाना बहुत अच्छा है लेकिन पेट संभालना पड़ेगा। वो हाँ वो सरदार की खाने उसके ऊपर बहुत सारे बताए। नंदिता हाय शिल्पा, हेड मिस्ट्रेस आज सब स्टूडेंट्स के बाद आई हुई है। नंदिता जरा यहाँ ना, लगता है आज डांट इस स्टूडेंट को पढ़ने वाली है, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? तूने आज का मिट्टे पढ़ा? नो, व्हाई? जस्ट कम विद मी। क्या बात, क्या है, बताती क्यों नहीं? कब तो फोन शेखर, तुम उसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा था ना कि वो नहीं उठाएगा। मुझे दे। पिक अप द डैम फोन शेखर, व्हाई द हेल आर यू टॉकिंग टू हर? बता क्यों नहीं देते कि तुम मेरे साथ हो? बोल क्यों नहीं देते तुम उसे सब कुछ? Why the hell aren't you talking to her? Kavya, she's my wife. मैं ये सब बातें उसे फोन पे नहीं बता सकता, मुझे उसके पास जाना होगा, उससे बात करनी होगी। बात करनी है तो मेरे सामने क्यों नहीं कर सकते? क्या बताओगी उसे तुम कि कसूर मेरा नहीं, काव्या का है? उसने मुझे धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हाँ करेक्ट, बकवास कर रही हो तुम। या ये कहोगे बेचारी अकेली थी, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मुझे उस पर तरस आया? यू मेक मी आउट टू बी अ ब्लडी चैरिटी केस। स्टॉप इट काव्या।
मैं जानती हूँ तुम वहां जाके वापस नहीं आओगे। वो तुम्हारे सामने आंसू बहाएगी, अपनी बच्ची का वास्ता देगी और तुम पिघल जाओगे। You're not going to come back, right, Shekhar? You're going to leave me now. Is this true? क्या ये सच है? नदिता, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने वाला हूँ। हाँ या ना? शेखर, हाँ ये सच है। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब शेखर? गोवा से। इसलिए जब से आए हो बदले से हो। You slept with her? Have you slept with her? Pick up the phone. Pick up the damn phone! Have you slept with her, Shekhar? कितनी बार? नदिता, what kind of question? कितनी बार शेखर? एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार या गिनती भूल गए हो तुम? नदिता, जब मैं उसे मिला तो ऐसी कोई बात नहीं थी। She was just very lonely. मैं उसकी, I just wanted to help her और help करते करते पता नहीं कब। Do you love her? For once in your life, speak the truth, Shekhar. Do you love her? I love her. Hello? It's all true, Shilpa. सब कुछ सच है। नंदिता हमारे वहां पे। We are coming there, okay? Don't worry.
मैंने तुझे वॉर्न किया था ना, पर तुझे बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा था ना कि तू उसको मुसीबत से निकालने जाएगा और वो तुझे भी मुसीबत में घसीट लेगी। मैंने जैसे बहुत से केसेस देखे। She's not a case, यार। जीती जाती लड़की है वो, उसका एक नाम है, उसका एक चेहरा है, और उसकी प्रॉब्लम्स सारी किताबों में लिखी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं उससे मिला हूं, मैंने उसकी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है। मैं जानता हूं वो कितनी अकेली है, मैं जानता हूं उसको मेरी कितनी जरूरत है। Don't give me that crap, Shekhar. तू बेवकूफ किसे बना रहा है, मुझे अपने आप को? ये सब बातें ना अपनी बीवी के लिए रख, हो सकता है वो तुझे बेचारा समझ ले, बट नॉट मी। मुझसे पूछ, जरूरत काव्या की नहीं तेरी है। तेरे 9 से 6 की बोरिंग लाइफ में खूबसूरत लड़कियां जाती है, वो भी इत्तफाकन मिस वर्ल्ड, और तू ये कह रहा है कि तुझे इस बात की खुशी नहीं है? तू कहना क्या चाह रहा है कि तू उसके साथ अय्याशी नहीं बल्कि उसकी हेल्प कर रहा है? शेखर, इस आग में कूदने से पहले कम से कम ये सोच लिया होता कि तेरे साथ और बहुत कुछ जलने वाला है, तेरा घर, तेरी बीवी, तेरी बच्ची। बस कुणाल बस, मुझे तेरे लेक्चर की जरूरत नहीं है, जब तेरी नसीहत की जरूरत पड़ेगी तब बुला लूंगा। शेखर, मैं तेरा दोस्त हूं शेखर, मैं तुझे नसीहत नहीं दे रहा हूं, मैं तो तेरा घर बर्बाद होने से बचा रहा हूं शेखर। तू मेरा दोस्त नहीं है, तू नंदिता का दोस्त है। कितने दुख की बात है शेखर, आज तेरे और नंदिता के दोस्त अलग हो गए। नंदिता, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी के प्यार में पलड़ा उसी का भारी होता है जो दूसरे से कम प्यार करता है। एंड आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी भी यही कमजोरी है क्योंकि तुम शेखर से उससे ज्यादा प्यार करती हो। इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है, उसे लगता है कि उसके प्यार में तुम सब कुछ बर्दाश्त करोगी, इसीलिए तो मनमानी कर रहा है। नंदिता, आई स्ट्रांगली फील यू शुड टीच हिम अ लेसन। मैं तो कहती हूँ शेखर को रास्ते पर लाने के लिए काव्या को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, शी इज राइट, और हमें मोर्चा लेके उसके घर पहुंच जाना चाहिए, प्रेस के सामने भांडा फोड़ देना चाहिए उसका, तब समझ में आएगा उसे। दे आर एब्सोल्युटली राइट, मेकअप वैन की असलियत सड़क पे आएगी ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। इनफैक्ट आई फील वी शुड गो टू दी एनजीओस, उनका सपोर्ट लेते हैं। वी शुड डू इट इन सच अ वे नंदिता दैट ही विल। प्लीज गिव दिस फाइल टू डॉक्टर शंकर। यस सर, थैंक यू। तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा हुआ शीना हमारे साथ नहीं थी, अगर वो देख लेती तो मैं जिंदगी भर उसे आगे नहीं मिला पाती। कल हमने उसे किसी तरह से छुपा लिया था, पाएंगे? आज तुमने मुझे बताया है, कल दुनिया उसे बताएगी। बच्चे तो उन माँ बाप के भी बड़े हो जाते हैं जिनके घर टूट चुके होते हैं, पर क्या ये सब हमारे घर में होना जरूरी है? कहाँ गलती हो गई थी मुझसे शेखर? Am I not a good wife? Am I not a good mother? कहाँ कमी रह गई थी मुझसे तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में, या फिर तुम्हारे बिस्तर में शेखर? कहाँ? As beautiful as she is, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। Give me one chance and I'll prove it. मुझे एक मौका दो शेखर। अब मैं काव्या कृष्णा तो नहीं बन सकती, पर मैं तुम्हारी पहली वाली नंदिता तो बनकर दिखा सकती हूँ।
वो नंदिता जिसे तुमने प्यार किया था, वो नंदिता जिसे तुमने सचमुच चाहा था, वो नंदिता जिसे तुमने ये जिंदगी गुजारने का वादा किया था, जिसमें जिसमें कोई कमी नहीं थी शेखर। बस नंदिता बस, कमी तुम्हें नहीं मुझ में, पर इस वक्त मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। जी काव्या जी हैं जी? आप? मैं मिसेस शेखर सक्सेना जी। एक मिनट। मैडम क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब की वाइफ आई हुई है। किसकी? डॉक्टर शेखर साहब की वाइफ। कहाँ? अपने घर। तो तुमने क्या कहा? रुकने के लिए कहा। इडियट, कह नहीं सकते थे कि मैं घर पर नहीं हूं? जी वो कह दो कि मैं सो रही हूं। जी मैडम, काव्या मैडम सो रही है। काव्या, मैं जानती हूं कि तुम सो नहीं रही हो काव्या, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही हो क्योंकि तुम में मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। चौंक गई ना तुम कि मैं कैसे बिना पूछे तुमसे तुम्हारे घर के अंदर चली आई, पर तुमने तो मुझे चौंकने का मौका भी नहीं दिया। तुमने कब मेरे घर में घुसकर मेरे पति को मुझसे चुरा लिया मुझे पता भी नहीं चला। आठ साल से मैं एक एक करके खुशियां इकट्ठा करती रही और तुमने एक झटके में सब कुछ लूट लिया। तुम तो मिस वर्ल्ड हो ना, हजारों चाहने वाले मिल जाएंगे जो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर मेरी आंखों की रोशनी तो शेखर है। तुम्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने का शौक है ना काव्या? पर मेरा सपना भी शेखर है और हकीकत भी। तुम तो खूबसूरत हो, अमीर हो, सक्सेसफुल हो, चाहो तो आसमान को जमीन पर ला सकती हो, पर मेरे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ मेरा परिवार है। कम से कम इतनी जमीन तो मेरे पास रहने दो। अपने हाथों को सेकने के लिए मेरी छोटी सी दुनिया मत चलाओ काव्या, मेरी छोटी सी दुनिया मत चलाओ। मैं यहां तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूं, सिर्फ अपना पति वापस मांगने आई हूं काव्या।
अपने बच्चे का बाप वापस पाने आई हूँ। हो सके तो मेरी दुनिया मुझे वापस दे दो काव्या, मेरी छोटी सी दुनिया, मेरा शेखर मुझे लौटा दो काव्या, मेरा शेखर लौटा दो। के नैनीताल का छीना। थैंक्स कुणाल। विल यू बी ओके? नंदिता, आई स्टिल फील आज की रात तुम्हें हमारे साथ रुकना चाहिए था। डोंट वरी शिल्पा, आई बी फाइन। बाय कुणाल। बाय, गुड नाइट। Bye. You take care. See you. तुम काव्या के घर गई थी? सो रही है। काव्या के घर गई थी तुम? मैं पूछता हूं, तुम काव्या के घर गई थी या नहीं? जानते हो तो पूछते क्यों हो? Why did you go there? तुम ये भी जानते हो। पर तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज उसकी जान जा सकती थी। She tried to kill herself. नींद की गोलियां खा ली थी उसने। और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो बिचारी। बिचारी? उसने कुछ नींद की गोली खा ली तो वो बिचारी हो गई। और मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ और तुम्हें मुझसे शिकायत है? अरे वो तो अपनी जिल्लत से बचने के लिए अपनी जान देकर छुटकारा पा सकती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बच्ची के होते हुए अपनी जान भी नहीं दे सकती। मुझे तो ये जिल्लत जी के बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। तुम जिल्लत बर्दाश्त कर रही हो और मैं इश्क कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं किस आग से गुजर रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चेन में बंद कर दोनों तरफ से खींचा जा रहा हूँ। ये चेन तुमने अपने पांव से खुद बांधी है शेखर। अरे ये सब जानबूझ के किया ना, तो किल मी, मर्डर मी, सूली पे चढ़ा दो मुझे। पर मैं पूछता हूँ, क्या मैं दुनिया में पहला आदमी हूँ जिससे ये सब हुआ है? क्या मैं पहला आदमी हूँ जिसने घर से बाहर निकल के प्यार किया है? क्या मैं पहला आदमी हूँ जिसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? मुझे पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं शेखर, मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहती हूँ और मैं ये हर कीमत पे करके दिखाऊंगी। तुम घर बचाना चाहती हो और मैं घर तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, सारा कसूर मेरा है, मैंने ही सबको परेशान करके रखा है ना। ठीक है, तो मैं इसका इलाज करके दूंगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। शेखर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शेखर। गलती? जानती हो सबसे बड़ी गलती क्या थी? ये शादी ही सबसे बड़ी गलती थी।
तुझे है कसम, तुझे है कसम, तुझे है कसम, तुझे है कसम। जागी और तुम मुझे नहीं मिले। सोचा तुम मुझे छोड़ के अपने बीवी के पास चले गए। मैं तुझे फोन करने ही वाला था। नंदिता ने मैसेज भेजा है, शीना के प्रिंसिपल ने तुम्हें कल सुबह 9 बजे स्कूल बुलाया है, तुम जा सकोगे?
Is everything okay? I don't know. Of course I'll be there. ठीक है, मैं नंदिता को बता दूंगा. कुणाल, उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया. दोस्ती महक समझ के मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया. मैं जानता हूं तो गुस्सा है. I'm sorry. But I'm not sorry, शेखर. मैंने दोस्ती में जितना कहा कम कहा. और रही बात गुस्से की, मुझे तुझ जैसे आदमी पे गुस्सा नहीं, सिर्फ तरस आता है. कल सुबह 9 बजे शीना की स्कूल, लेट मत होना. मैंने आप दोनों के बारे में पेपर में पढ़ा है. एंड आई नो आई हैव गॉट नो राइट टू स्पीक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पे इसलिए बुलाया है कि उसका असर शीना की जिंदगी पर पड़ रहा है. शी वॉज द नॉटियस्ट गर्ल इन द क्लास, लेकिन ना तो वो किसी से बात करती है ना हंसती है. मोर ओवर शी वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी ब्राइट. ये उसके पिछले हफ्ते की प्रोग्रेस रिपोर्ट है. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर चाइल्ड. एक्सक्यूज मी सर. यस सर. शीना. थैंक यू. क्या हुआ बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करती? मेरा कोई दोस्त नहीं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं मेरे पापा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है. छोड़ देता हूं. घर तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो. चलो शीना. फ्रेंड सच बोल रहे हैं पापा, क्या सचमुच आपका किसी काव्या के साथ अफेयर चल रहा है? इट्स नॉट ट्रू पापा. क्या आप मम्मा और मुझसे प्यार नहीं करते? ये किसने कहा तुमसे? तो फिर आप घर क्यों नहीं आते? आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आजकल हॉस्पिटल में ज्यादा काम रहता है ना. पहले जब काम होता था तो आप आ जाते थे देर से, और अब तो आप आते ही नहीं. पापा आज रात आप घर आएंगे ना? हाँ पापा, आज रात आप घर आएंगे ना? चलो बेटे, चलो घर चलो. हम लोग घर जा रहे हैं. फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, सिनेब्लेट्स, ग्लैमर वर्ल्ड,
हर मैगजीन वाले आपके और डॉक्टर शेखर के अफेयर को लेके नमक मिर्च लगा के लिख रहे हैं, और टीवी चैनल्स वाले आपके कैरेक्टर को लेके वोटिंग कर रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको गलत कह रहे हैं। पीपल आर कॉलिंग यू होम ब्रेकर। लोग आपके कैरेक्टर को लेके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोग शेखर से मिलने के बाद मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने आप को लोगों से अलग नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी एड एजेंसीज अब तक आपको इसलिए साइन करती रही है क्योंकि लोग आपको चाहते हैं। मैम, इस नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद कोई भी एड एजेंसी, कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहती, बिकॉज दे थिंक यू आर अ पब्लिक एनिमी। सच तो यह है कि अगर आपने डॉक्टर शेखर से अपना यह रिश्ता नहीं तोड़ा तो ये जो दो चार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भी हाथ से निकल जाएंगे। उससे मिलके आ रहे हो ना तुम? किससे? उससे, शेखर की बीवी से। उसी के कहने पर तुम मुझे अपने करियर का वास्ता देकर डरा रहे हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या लगता है उसे मैं डर जाऊंगी? जाकर कह दो उसे इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली। सड़क पर आ जाऊंगी लेकिन शेखर को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। जस्ट गो एंड टेल हर दैट। मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपके भले के लिए। भला माय फुट, मैं जानती हूं तुम उसे मिलकर आ रहे हो। ये क्या हो गया आपको? उस डॉक्टर के सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। None of your bloody business. आप मुझे तो चुप करा लेंगी क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ, लेकिन इस कमरे के बाहर आप किस किस को चुप कराएंगी? Just shut up. Get out. आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो Just जी मैडम, मेरी सिगरेट्स कहाँ है? जी खत्म हो गई मैडम। खत्म हो गए तो दूसरा पैकेट कहाँ है? वो दूसरा लाया नहीं मैंने। इडियट, तुम्हें रखा किस लिए? मेरा मुंह देखने के लिए? जाओ जाके दूसरा पैकेट लेके आओ। चिल्ला तो राजा। यस मैडम। I'm sorry. अरे मैडम, आप ये क्या बोल रहे? पहली बार मैं खुश हूं और सारी दुनिया मिलके उसे मुझसे छीना चाहती है। क्यों कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता? सब मेरे खिलाफ है। तुम तो मुझे समझते हो ना? तुम तो मेरे साथ हो ना राजा? मैडम, मैं सिगरेट लेके आता हूं।
अरे शीना बेटी, अब तक सोई नहीं तुम? नहीं मामा, मैं तो आपके लिए ये बना रही थी। How sweet, but why this card now, बेटा, इतनी रात को? मामा, I wanted to tell you, if Papa doesn't love you ना, I love you, for Papa also. अगर आप कहेंगी ना, तो मैं पापा को आज से प्यार करना बंद कर दूंगी। हाय, अब तक सोई नहीं? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? जस्ट डोंट लाई टू मी, झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ? अपने बीवी से मिलने गए थे ना, उसी ने कोई बहाना बनाकर तुम्हें घर बुला लिया और तुम अपना मोबाइल फोन बंद करके उससे मिलने गए थे। काव्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं सीधे हॉस्पिटल से आ रहा हूं। तो तुम्हारी कैबिन में किसी ने फोन क्यों नहीं उठाया? काव्या, देयर वाज एन इमरजेंसी। मैं ऑपरेशन थिएटर में था और तुम्हें तो पता है कि मेरी सेक्रेटरी सूजी 8 बजे चली जाती है और ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फोन ऑफ रखना पड़ता है। काव्या, यू थिंक यू आर टू स्मार्ट। सारे सवालों का जवाब पहले से ही सोच के रखा है ना तुमने? I'm not stupid. For God's sake, Kavya, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम ना उसे छोड़ सकते हो, ना मुझे। मुझसे झूठ बोल के उससे मिलने जाते हो और उससे झूठ बोल के मुझसे मिलने आते हो। एक साथ दो दो औरतों को बेवकूफ बना रहे हो तुम। I don't know about her. लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। काव्या, जब से मैं यहां आया हूं, मैंने उस तरफ जाने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। Then say you don't love her. I love you, Kavya. तो तलाक दे दो उसे। You have to make a choice. I've made my choice, and you know that. I don't want to be your consolation prize, Shekhar. अगर तुमने फैसला किया है, so prove it. छोड़ दो नंदिता को। इसके बारे में कल बात करते हैं। कल सुबह नहीं, अभी। I'm not going to share you with anyone, शेखर। तुम्हें यह फैसला अभी करना होगा। बात करो उसे, अभी। काव्या, are you crazy? रात के 2 बज रहे हैं। अगर तुमने यह फैसला अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। Just talk to her right now. हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी थी क्या? कोशिश कर रही थी। सॉरी कि मैं इतनी रात को तुम्हें वो
मैंने इसलिए फोन किया कि मैं सोच रहा था कि यू नो हाउ इट इज, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस एंड आई थॉट के, तो मैंने सोचा कि नंदिता युद्ध है. तो मैंने सोचा कि हमें तलाक लेना चाहिए. नंदिता युद्ध है. मेरा मतलब है ऐसी कोई जल्दी नहीं है. शीना को ही बताना होगा, उससे बात करनी पड़ेगी. अभी बच्ची है वो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. नंदिता तुम? ओ जॉब, प्रशांत, क्या तुम्हारे ऑफिस में अभी भी वैकेंसी है? उस दिन जॉब के लिए कहा था तुमने, वो इसके लिए मैं. यस, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो. थैंक्स, थैंक यू सो मच. अंदर आना चाहोगी? शीना को अकेली छोड़ के आई हूँ ना, तो मैं यह है शेखर के एसेट्स की लिस्ट. हम जितना सोच रहे थे उससे कई ज्यादा पैसा है इसके पास. खंडाला में एक बंगला है, बोरिवली में एक फ्लैट है, एफडीज है, बैंक बैलेंस है, दो दो गाड़ियां हैं, और जिस घर में वो नंदिता और शीना के साथ रहता था वो घर भी उसी के नाम पर है. मैं नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ काव्या को दे दे. मिस्टर तिवारी, आप अंदर चलिए और इसे साफ साफ बता दीजिए कि मुझे मेरी फ्रेंड के लिए 50% चाहिए. यू डोंट वरी, हम उससे इससे ज्यादा लेंगे. गुड, चलो नंदिता, किसी भी हाल में हमें यह केस जीतना है. कम केस, कल तक जिस रिश्ते पे मुझे नाज था आज वो एक केस बनकर रह गया. तुम जाओ शिल्पा, मैं अपने घर को बचाने के लिए नहीं लड़ सकी तो उसे तोड़ने के लिए क्या लड़ पाऊंगी. हेलो मिस्टर सक्सेना. मॉर्निंग. वेल मिस्टर सक्सेना, आपने अलग होने का फैसला तो कर ही लिया है, इसलिए अब कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों उछालना चाहते हैं.
मैं चाहता हूं कि आप लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी मेरे क्लाइंट का आपके एसेट्स पे आधे से ज्यादा का हक बनता है, क्योंकि वो अपनी बच्ची के साथ रह रही है। और जहां तक शीना की कस्टडी का सवाल है, नहीं चाहिए। शीना अपनी मां के साथ ज्यादा खुश रहेगी। और रहा सवाल मेरी प्रॉपर्टीज का, तो ये मेरे एसेट्स की लिस्ट है, मेरा बंगला, मेरा फ्लैट, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ। और इसमें उन शेयर्स के सर्टिफिकेट्स भी हैं जिसके बारे में ना नंदिता जानती है ना उसके दोस्त। प्लीज गिव हर एवरीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Hello, why are you sitting like this? I'm tired, sir. Really? Oh God, तुमको तो बहुत तेज बुखार है। Is everything okay, Lalit? We'll talk. Anything to worry about? Don't worry, Nandita. It's okay. Bye, Shilpa. Bye-bye. बुखार तो उतर ही जाएगा। आई सस्पेक्ट अ केस ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन तो शुरू कर ही देते हैं, ब्लड टेस्ट ले लेंगे, बाकी कुछ होगा तो गिव मी अ कॉल। नंदिता, आई थिंक तुम्हें शेखर को फोन करके बता देना चाहिए। मैं नहीं करने वाली। मैं करूं? इफ यू वॉन्ट। हेलो शेखर, शिल्पा बोल रही हूँ। हाँ शिल्पा। शेखर, शीना इज नॉट वेल। क्या हुआ उसे? वैसे कोई डरने की बात नहीं है, बुखार तेज है। सो आई थॉट यू माइट वांट टू सी हर। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू शेखर। काव्या, मैं बस एक घंटे में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? शीना को तेज बुखार है, मैं उसे मिल के आता हूँ। तो उसने अपनी बच्ची को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। What? तुम बहुत सीधे हो शेखर, इतना भी नहीं समझते। वो तुम्हें पाने के लिए ये सब कर रही है, वो तुम्हें तोड़ना चाहती है। काव्या, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता। शीना को मेरी जरूरत है, मैं उससे मिल के आता हूं। जरूरत शीना को नहीं, तुम्हारी बीवी को है। तुम वहां मत जाओ शेखर, वहां जाकर तुम फंस जाओगे। काव्या, तुम जानती हो मैं उससे तलाक ले रहा हूं। सिर्फ कागज पे। सच तो ये है, वो अभी भी तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग पे राज कर रही है। तुम रहते मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारी जान अभी भी वहीं अटकी हुई है। काव्या प्लीज। मैं पूछती हूँ, कब तक मुझे तुम्हें उसके साथ बांटना पड़ेगा? कब तक मुझे नंबर दो बनना पड़ेगा? तुमने प्यार उसे मुझसे पहले किया, तुमने शादी उसे मुझसे पहले की, उसका बच्चा मुझसे पहले हुआ। When will I be your priority? मैं पहले कब आऊंगी? When will I be your priority? काव्या, you are my priority. Then don't go. I have to go. आज तुम चले गए तो मैं अपनी नजरों से हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। मैं सोचूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार प्यार प्यार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, कभी सबसे बाहर निकल के देखा है तुमने? कभी मेरी जगह पे खड़े होकर सोचा है तुमने? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर,
अपनी बीवी, अपनी बच्ची सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रह रहा हूं और तुम मुझसे मेरे प्यार का सबूत मांग रही हो, कीमत मांग रही हो मुझसे मेरी बच्ची की। कुणाल ठीक कहता था, मैं अपने आप को निचोड़ के भी तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाता। तुम जानती हो तुम्हारी सच्चाई क्या है? यू आर मैड, यू आर सिक, यू आर क्लिनिकली इनसेन। तुम बीमार हो, पागल हो। यू आर अ मैनिक डिप्रेसिव, डू यू अंडरस्टैंड? मैनिक डिप्रेसिव। तुम्हारी उदासी तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है और तुम्हारी इस बीमारी को मैं कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। तुम ना मेरे साथ खुश रह सकती हो, ना मेरे बगैर। तुम कभी खुश नहीं रह सकती। जिंदगी में सब कुछ इतना साफ नजर आ रहा है, आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों मैं कभी खुश नहीं रही। मैं खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रही और खुशियां परछाई की तरह मुझसे दो कदम आगे बढ़ती रही। काव्या, put the gun down, please. Your doctor friend is right, Shekhar. I am a mad woman. मैं पागल हूँ, बीमार हूँ मैं। I am a manic depressive person. ये सब तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? That's not true. I didn't mean it. जिंदगी में पहली बार बेचैन हूँ। सच्चाई जान गई हूँ ना मैं। I didn't mean it. Put the gun down. तुम्हारा कोई कसूर नहीं है शेखर। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। But you're not God. No, Kavya. I said I'm sorry, okay? Just put the gun down. This life is not working, शेखर. I should try again.
में देखा शीना कैसी कैसी? तुमने बहुत देर कर दी शेखर, वो सो चुकी है और मैं नहीं समझती कि तुम्हें उसे जगाना चाहिए। मुझे अपना जॉब वापस मिल गया है, 2 दिन के बाद हम लोग पूना के लिए निकल रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम जब चाहो इस मकान में आ सकते हो। जब रास्ते बंद हो जाते हैं शेखर तो नए बनाने पड़ते हैं। मुझे अपना रास्ता मिल गया है। आई होप यू विल फाइंड योर्स। मेरा कितना कसूर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने बिना किसी कसूर के इतनी लंबी सजा काटी है। I was a weak man, कमजोर था मैं। जिंदगी के हर पहलू में अधूरा था, अधूरा पति, अधूरा प्रेमी, अधूरा बाप। पर मैं अधूरा नहीं मरना चाहता, और वो तब होगा जब तुम मुझे माफ कर दोगे। I'm sorry शीना, I'm sorry कि मैंने हर बाप की तरह तुम्हें मैट्स होमवर्क करने में मदद नहीं की। I'm sorry कि मैं हर बाप की तरह उस जोरों की बारिश में तुम्हें स्कूल से लेने नहीं पहुंचा। I'm sorry कि मैं हर बाप की तरह तुम्हारे स्पोर्ट्स डे पे नहीं आ सका। I'm sorry कि मैंने हर बाप की तरह दिवाली में तुम्हारे साथ पटाखे नहीं चलाए। I'm sorry कि मैंने हर बाप की तरह तुम्हें गले से नहीं लगाया जब तुम साइकिलिंग करते समय गिर गई थी। I'm sorry शीना। I'm sorry.
बस बस पापा प्लीज बस कीजिए, मुझे माफ कर दो शीना, प्लीज माफी मत मांगिए पापा, आप मेरे पापा हैं। शीना बेटे, तो अपने अनकही कहकर हमेशा के लिए मुक्त हो गए, मगर आप कब तक अपने सीने पे ये बोझ उठाए रखेंगी? जो शब्द 16 सालों में आपके गले तक आए और वापस चले गए, उन शब्दों की कैद से आपको मुक्त होना होगा। कह दीजिए बोझ जो आप नहीं कह पाई, कह दीजिए मामा, से इट प्लीज। मैंने उन्हें माफ कर दिया। आप नहीं जानती हैं कि एक औलाद के लिए यह जानना कि उसके मां बाप को एक दूसरे से कोई गिला नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। Thank you.
आंखों में अनजाने रहते मंजर कई, सीने में चुभती है कोई बेबसी नहीं, यादों में सजी कुछ बातें अनकही, इन बातों में कही खोई है जिंदगी। आँखों में अनजाने रहते मंजर कई, सीने में चुभती है कोई बेबसी नहीं। कैसे इन्हें सवारूं मैं, यादों में सजी कुछ बातें अनकही, इन बातों में कही खोई है जिंदगी। जाने रहते मंजर कहीं, सीने में चुभती है कोई बेबसी नहीं। बसी नहीं।